हम इन्वर्जन का ही एक टाइप है, दैट इज डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ लिंक दैट इज फोर, जिसमें दो टर्निंग पेयर होंगे और दो स्लाइडिंग पेयर होंगे। ये पूरा आपको अरेंजमेंट नजर आ रहा है, दैट इज फॉर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आपको एक तो ये फ्रेम नजर आ गई, दैट इज लिंक नंबर वन, क्लियर है, दैट इज लिंक नंबर वन, ये हो गई, दैट इज हमारी स्लॉटेड प्लेट। ये रेड वाला है, दैट इज स्लाइडर नंबर टू, और एक हो गया दैट इज स्लाइडर नंबर थ्री। तो लिंक वन टू थ्री हो गई, और फोर्थ कौन सी, ये ब्लू वाली जो इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज लिंक नंबर फोर। और यहां पर अरेंजमेंट कितने मिलेंगे, दैट इज वन टू और थ्री अरेंजमेंट ही मिलेंगे। कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, दैट इज थ्री अरेंजमेंट ही मिलेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं कर लेता हूं कि मान लेता हूं कि इस फ्रेम को फिक्स कर दिया, अगर मैं इस फ्रेम को फिक्स कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, अगर मैं इस फ्रेम को फिक्स कर लेता हूं, स्लोटेड मैकेनिज्म को फिक्स कर देता हूं, स्लोटेड प्लेट को फिक्स कर लेता हूं, ठीक है, इसको स्लोटेड प्लेट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्लोटेड प्लेट और फ्रेम इज फिक्स, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया, तो कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी। तो जो इसका आंसर आपको लिखना है, दैट इज इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल वाली मैकेनिज्म मिलेगी। कौन सी मिलेगी, दैट इज इलिप्टिकल ट्रेमल। थोड़ा डिस्कस में हम इनको वन बाय वन और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी हम वन मार्क क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम को फिक्स करने पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज इलिप्टिकल ट्रेमल। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स कर दो, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, दैट इज स्लाइडर को फिक्स कर लेते हैं, स्लाइडर को फिक्स कर लेते हैं, और जब हम स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, और जो मैकेनिज्म मिलेगी दैट इज स्कॉच योक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, स्कॉच योक मैकेनिज्म, दैट इज स्कॉच योक मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म। और इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड, जो रोटेटरी मोशन होगा, रोटरी जो मोशन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटरी इज कन्वर्टिंग टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी रेसिप्रोकेटिंग में चला जाएगा, दैट इज स्लाइडर फिक्स होगा, दैट इज स्कॉच योक मैकेनिज्म। थर्ड अब क्या बचता है, दैट इज ये ब्लू वाले दोनों को जो कनेक्ट करिए इसको फिक्स कर दो, तो इससे बनेगा दैट इज ओल्डेम कपलिंग, ओल्डेम कपलिंग। और फिक्स किसको करेंगे, लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर, लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमें ओल्डेम कपलिंग मिलेगी। और ओल्डेम कपलिंग कहां पर यूज होता है, ये क्या करता है कि जो मिसअलाइनमेंट होता है ना शाफ्ट वगैरह का, तो वहां पर यूज होते हैं, दैट इज यूज्ड इन मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट, क्लियर है। तो यहां तक आपको बेसिक पता चल गया, दैट इज द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाई वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्लास आपके पास पहुंचती रहे।